फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल अकेडमी वापी इन कोलोबोरेशन विद्या मंदिर क्लासेज सूरत और आज हम बात करने वाले हैं रेडिएशन प्रेशर की और उसके बाद मैटर वेव्स की रेडिएशन प्रेशर क्या है तो या जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो वहां पे वो एक प्रेशर एग्जर्ट करती है अब ऐसा क्यों प्रेशर कहाँ से आएगा हम तो जानते हैं प्रेशर आता है फोर्स से फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम बोले तो उस पर प्रेशर आएगा तो फोर्स यहाँ पे कौन सा लग रहा है तो हम जानते हैं भैया है कि फोटोन जो होते हैं वो सारे फोटो अपने साथ एक एनर्जी और एक मोमेंटम लेके चलते हैं अगर फोटोन वहां जाके टकरा रहा है मतलब वहां पे चेंज इन मोमेंटम होगा और जब चेंज इन मोमेंटम होता है तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता है कि वहां पे एक फोर्स भी आएगा और उसी फोर्स की वजह से जो प्रेशर आता है उसे हम कहते हैं रेडिएशन प्रेशर क्लियर तो कुछ कुछ बातें हम लिखना शुरू करते हैं जैसे पहली बात तो ये कि एक फोटोन के केस में एनर्जी कितनी लेके चलता है वो एच सी बाय लेमडा के बराबर और इसका जो मोमेंटम हो तो कितना होता है एच बायमडा के बराबर ये दो चीजें हमें पता है फोटोन के केस में अब मान लीजिए जब फोटोन किसी सरफेस पे गिरते हैं जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा रखा है जब फोटोन ये लाइट किसी सरफेस पे गिरी मान लीजिए लाइट की इंटेंसिटी है आई आई इंटेंसिटी की लाइट है वो इस पे गिर रही सरफेस पे अब सरफेस पे क्या क्या हो सकता है या तो सरफेस पे एब्जॉर्प्शन हो सकता है

रिफ्लेक्शन ठीक है ये दो रेशो अपन यहाँ पे लेके दो अपने ले चलते हैं जितने नंबर ऑफ फोटो गिरे मान लीजिए दस फोटोन गिरे उसमें से तीन रिफ्लेक्ट हो गए और सात एब्सॉर्ब हो गए तो आप बोलेंगे पॉइंट थ्री जो है वो रिफ्लेक्शन का हो गया और सात एबजॉर्ब हो गए थे तो पॉइंट सेवन जो है वो का काफिशियंट हो गया क्लियर है बात ये कोफिशियंट हो गए अब इनके केसेस में अपन बात करते हैं कि कितना प्रेशर वहां पे लगना चाहिए तो पहला अपन जो केस कंसिडर कर करके चल रहे हैं उस केस में अपन बात कर रहे हैं कि जो रेडिएशन आ रहा है वो पर्पेंडिकुलर गिर रहा है बिल्कुल सरफेस सरफेस के ठीक है जो लाइट वेव्स वो के एकदम इंसिडेंट है जब ये केस है तो इसमें भी आप दो तीन चीजें यहाँ पे देख सकते हैं कि, कि कितना एब्जॉर्बन हो रहा है कितना रेडिएशन हो रहा है उसके हिसाब से अपन यहाँ पे बातें करते हैं ठीक है तो से पहला केस अपन लेते हैं केस वन जिसमें सारी की सारी रेज यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ ठीक है कंप्लीट अगर ऐसा बोले ओके okay, तो मतलब ए हो गया वन और रिफ्लेक्शन का हो गया ये बात क्लियर है पे आपको अच्छे से ठीक है अच्छा जब एब्जॉर्बन होता है और रिफ्लेक्शन होता है तो उसके इसमें मोमेंटम में कितना चेंज होता है इस बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम जो होता है एक फोटोन का इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ये कितना होता है h बाय लैम्डा के बराबर ठीक है अच्छा एब्सॉर्ब हो गया अगर सारे के सारे तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया फाइनल मोमेंटम हो गया जीरो क्योंकि एब्सॉर्ब हो गए तो रुक गए अंदर जाके रुक गए तो अब इनकी वेलोसिटी हो गई जीरो तो फाइनल मोमेंटम हो गया जीरो तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ चेंज इन मोमेंटम यहां पे लिख सकते हैं

So तो कितना आया होगा तो इंटेंसिटी इंटू एरिया इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम यहाँ पे आ रही है तो इसके हिसाब से अगर नंबर ऑफ फोटो देखे जाए तो हमें टोटल एनर्जी बताए जो एक सेकंड में आ रही है हमें ये है कि एक

एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम अपने को पता ही ये रहा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा इस बारे में अगर बात करें इसलिए टोटल चेंज इन मोमेंटम वो कितना हो जाएगा ये एन है तो एन इंटू डेल्टा पी ये हो जाएगा क्लियर है आपने लिखा हुआ है एन अभी आपने लिखा डेल्टा पी भी लिखा हुआ है इसको अगर यूज करें तो मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूं टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? दिस विल बी आपने लिखा है आई ए बाई सी के बराबर इन अपवर्ड डायरेक्शन दिस इज चेंज इन मोमेंटम टोटल जो फोटो के लिए हो पा रहा है ठीक है पर यूनिट टाइम अच्छा फोर्स क्या होता है फोर्स हम जानते हैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम यही होता है सेकंड लॉ से चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज द फोर्स और क्या यही आपने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्योंकि ये एन जो चल रहा है पर यूनिट टाइम है तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम यही आपने यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये आपका फोर्स भी आ गया तो बेसिकली फोर्स की वैल्यू भी आ गई आपके पास आई ए के बराबर ठीक है किस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मोमेंट ये पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन प्लेट ड्यू टू फोटोन फोर्स ऑन प्लेट ड्यू टू फोटोन ये किधर लगेगा तो अगर पे ऊपर की तरफ लग रहा है तो प्लेट पे नीचे की तरफ लगेगा और सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा आई ए बाई सी डाउनवर्ड क्लियर बात तो ये आपका आ गया फोर्स और आपसे पूछा गया अगर प्रेशर बताइए तो प्रेशर कितना आ जाएगा प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया तो हो जाएगा f by a नॉर्मल एरिया हमेशा कंसीडर किया जाता है यहाँ दोनों 90 डिग्री पे ही हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ये हो जाएगा i a by c a a से कैंसिल हो गया बचा आपके पास प्रेशर इक्वल टू i by c इंपॉर्टेंट रिलेशन है प्रेशर इक्वल टू i by c ध्यान रखिएगा ये ठीक है तो पक्की बात समझ में आ गया तो ये किस केस में था जब सारे का सारा अब्सॉर्ब हो गया कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ अब अगर सेकंड केस की बात करें इस बार सारा रिफ्लेक्ट हो गया कंप्लीट रिफ्लेक्शन। अगर कंप्लीट रिफ्लेक्शन है नो no एब्सॉर्बन तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के केस में आर वन हो जाएगा और ए हो जाएगा जीरो ठीक है अगर ये केस है आपके पास तो इस बार अगर मोमेंटम लिखे तो इनिशियल मोमेंटम कितना है एच बाई लैमडा नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल मोमेंटम कितना है वो भी एच lambda ऊपर की तरफ क्योंकि रिफ्लेक्ट हुआ है सेम से ऊपर चलेंगे वापस तो चेंज इन मोमेंटम अगर देखा जाए डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम फोटोन की बात हो रही है तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी ये हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल मतलब टू एच बाई ले ऊपर की तरफ ये बात तो क्लियर है ना क्यों टू एच हो गया जीरो क्यों नहीं हुआ क्योंकि डायरेक्शन चेंज है एक नीचे एक ऊपर साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस आएगा 2H by lambda, upward. अब यही चीज़ अपने एनर्जी है. है फिर से वही सारी चीजें मिलेंगी एनर्जी इंसिडेंट पर एक फोटोन की एनर्जी अपने डिवाइड कर दी तो अपने को number of photons मिल गए सेम मिलने वाले हैं फिर से तो ये direct use कर हैं नंबर ऑफ फोटो पर यूनिट एरिया इज

वो कितना हो जाएगा टू टाइम्स आई ए बाई सी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जो आपने पहले लिखा था आईए बाई सी इस मोमेंटम डबल है तो फोर्स भी हो जाएगा आई ए बाई सी के बराबर और अगर प्रेशर लिखा जाए तो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया तो टू आई बाई सी ये भी हो जाएगा प्रेशर आपका क्लियर है बात तो दोनों इक्वेशंस ध्यान रखिएगा अच्छे से अच्छा अगर तीसरा केस लिया जाए कि ना तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है ना कंप्लीट रिफ्लेक्शन है तो क्या बोलेंगे ए और आर जो दोनों की वैल्यू है वो वन के बीच में कुछ कुछ है ठीक तो है ना तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है ना कंप्लीट रिफ्लेक्शन है अगर ऐसा है तो अपन जानते हैं कि भैया जितने टोटल नंबर ऑफ फोटोज आए होंगे या वो या तो एब्जॉर्ब हुए हो होंगे या रिफ्लेक्ट हुए हो होंगे मतलब ये ऑफिशन मिला के वन होना चाहिए ये बात रिफ्लेक्शन तो कितना हो गया पॉइंट सेवन दोनों मिलके कितना हो गया वन ऐसा आप कोई भी नंबर ले सकते हैं ये दोनों मिलके हमेशा वन बनने वाले हैं तो जो कॉफिशियंट का सम है वो हो गया वन ये अपन यहाँ पे यूज करेंगे तो अब आपसे पूछा गया कि बताइए अब चेंज इन मोमेंटम कितना होगा तो अपन जानते हैं जब एब्जॉर्बन होता है तो एच बाई लेमडा होता है जब रिफ्लेक्शन होता है तो टू एच बाई लेमडा होता है ठीक है तो अपन बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम जो टू रिफ्लेक्शन ये कितना होता है टू एच बाई लेमडा अपवर्ड और चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू एब्जॉर्ब ये कितना होता है एच बाई ले ठीक है ये दो चीजें अपने को पता है अब अपन इसको यूज करते हैं आई ए और आर के साथ और नंबर ऑफ फोटो कितना अपने आ रहे हैं वो भी अपने को पता है तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम ये आपने निकाला था एन इक्वल टू आई ए लेमडा बाई एच सी ठीक है अब अपने को ये देखना है कि इसमें से कितने रिफ्लेक्ट हो गए तो नंबर ऑफ फोटो रिफ्लेक्टेड पर यूनिट टाइम तो ये कितना हो जाएगा अपने को कॉफिशियंट पता है तो इसको मैं लिखता हूं अगर एन आर नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड तो हो जाएगा आर इन क्लियर है आर हमेशा लेस देन वन होता है इतने रिफ्लेक्ट हो गए तो वैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे आई ए लेमडा बाई एच सी इंटू आर के बराबर ऐसे ही नंबर ऑफ फोटॉन्स जो यहाँ पे एब्सॉर्ब हो गए वो कितने हो जाएंगे अगर एन ए लिखू एब्सॉर्ब के लिए तो ए इंटू एन लिख सकता हूं उसको वो हो जाएगा आई ए लेमडा बाई एच अब इनके करस्पॉन्डिंग अपने को टोटल फोर्स लिखना है ठीक है तो सीधा सा लिख सकते हैं जहां पे आ, हुआ था, तो के बन रहा था और कितने ये हैं? इस के हिसाब से ऐसे ही जो के केस में बन रहा था तो ये का केस, था और इसके केस में नंबर ऑफ फोटो इस तरीके से थे तब तो अगर अपन फोर्स लिखे हैं तो कितना हो जाएगा ये फोर्स ड्यू टू अगर लिखा जाए तो मैं लिखूंगा na which is ia lambda by hc into a मल्टीप्लाइड by चेंज इन मोमेंटम इसकी वजह से कितना हुआ था absorption की वजह से h by lambda के बराबर ठीक है ये हो जाएगा ये आपके पास आएगा ia by c और a को मैं लिख सकता हूँ हूं 1 minus r के बराबर a is 1 minus r दिस इज डाउनवर्ड फोर्स ऐसे ही फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन अगर लिखा जाए तो क्या आ जाएगा ये आई ए लेमडा बाई एच सी इंटू आर इंटू टू एच बाई लेमडा क्योंकि नंबर ऑफ फोटो कितने हैं यहाँ पे टू एच बाई लेमडा के बराबर सॉरी नंबर ऑफ फोटोन यहाँ चेंज इन मोमेंटम कितना है टू एच बाई लेमडा के बराबर तो यहाँ से आपका आंसर मिलेगा टू आई ए बाई सी इंटू आर के बराबर ठीक है अब टोटल फोर्स अपने को निकालना है तो टोटल फोर्स इनका सम हो जाएगा दिस विल बी आई ए बाई सी आ गया कॉमन आपके पास उधर से बचा वन माइनस आर इधर से बचा टू आर आंसर आया कितना वन प्लस आर के बराबर ठीक है आई ए बाई सी वन प्लस आर के बराबर ये आपके पास आया नेट फोर्स क्लियर है अच्छे से तो ध्यान रखिएगा नेट फोर्स इन दिस केस विल बी आई ए बाई सी वन प्लस आर ठीक है प्रेशर अगर लिखें तो प्रेशर भी लिखा जा सकता है बाई एरिया कर दो तो, प्रेशर पी हो जाएगा या पी अपन मोमेंटम के लिए लिख रहे हैं तो प्रेशर को ऐसे ही दो प्रेशर कितना हो जाएगा यहाँ पे आई बाई सी वन प्लस आर के बराबर ठीक है ये चीज आपके पास होगी सारी तो जो भी केसेस आपको पूछा जाता है उस केस के करस्पॉन्डिंग आप अपना आंसर यहाँ से बता सकते हैं आसानी से ठीक है श्योर चलिए तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस बार जो आपको रेज आती हुई दिख रही हैं वो इस प्लेन सरफेस के नॉर्मल से एक थीटा एंगल पे आ रही है ये अपन देख पा रहे हैं ठीक है तो इस पूछा गया आपसे इन तीनों केसेस में बताइए कितना यहाँ यहाँ प्रेशर होने वाला है कितना कितना प्रेशर इस बार लगने वाला है ठीक है तीनों केसेस वही तीनों केसेस कि एक बार कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है कंप्लीट रिफ्लेक्शन है और एक बार दोनों है इन तीनों केसेस में इस बार क्या चेंजेस हो जाएंगे तो भैया हम जानते हैं इस बार जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो सिर्फ इस डायरेक्शन में होने वाला है ये वाला जो कंपोनेंट है ये जीरो हो जाएगा क्योंकि जब रिफ्लेक्ट होंगे तो ऐसे चले जाएंगे तो रिफ्लेक्शन की वजह से चेंज इन मोमेंटम ट्वाइस इन दिस डायरेक्शन हो जाएगा की वजह से अगर देखो तो चेंज इन मोमेंटम वो भी इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्लियर तो अगर अपना फाइनल आंसर अपन बताएं तो कैसे लिख सकते हैं देखिए पहला केस लेते हैं एब्जॉर्प्शन एक्वल टू वन आर इक्वल टू जीरो तब तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में अपने पास आंसर क्या आ रहा था देखिए जल्दी से फर्स्ट केस में आंसर आ रहा था प्रेशर इक्वल टू आई बाई सी के बराबर और फोर्स आ रहा था आई ए बाई सी के बराबर ठीक है ये आया था इस बार देखते हैं कितना आता है आंसर तो इस बार लिखना शुरू करते हैं जो इंटेंसिटी आई है उसके हिसाब से अगर मैं लिखता हूं यहां पे तो अगर पावर लिखा जाए तो पावर को मैं लिखूंगा इंटेंसिटी बाय एरिया एरिया कौन सा लिखना चाहिए अपने को एरिया हमेशा लिया जाता है नॉर्मल एरिया ठीक है तो नॉर्मल एरिया मतलब ये वाला एरिया बेसिकली अपने को कंसिडर करना है ठीक तो है तो ये एरिया कितना हो जाएगा दिस एरिया विल बी ए कॉस थीटा अगर ये एरिया ए है तो दिस एरिया विल बी ए कॉस थीटा ठीक है ये अपने को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा तो अगर एरिया लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा एक थीटा इंटेंसिटी के केस में जब पावर लिखते हैं तो सॉरी अपन ने उल्टा लिख लिया ना uh, नहीं ठीक है इंटेंसिटी ना उल्टा लिखा इंटेंसिटी इक्वल टू पावर बाय एरिया नॉट पावर इक्वल टू इंटेंसिटी बाय एरिया इंटेंसिटी इक्वल टू पावर बाय एरिया ये अपने पास फॉर्मुला होता है पावर बाय नॉर्मल एरिया ये फॉर्मुला होता है ना तो अपन यहां से अगर पावर लिखेंगे तो लिखेंगे इंटेंसिटी इनटू नॉर्मल एरिया तो इंटेंसिटी इंटू नॉर्मल एरिया कितना हो जाएगा ये नॉर्मल एरिया ए थीटा के बराबर, ठीक है? ये एरिया अपने को कंसिडर करना चाहिए यहाँ पे तो ये हो गया आई ए थीटा, दिस द पावर इसको पावर ही लिख लेते हैं ओके okay. अब पावर मिल गई तो अपने को यहां से अगर नंबर ऑफ फोटो अपन निकालें नंबर ऑफ फोटो इंसिडेंट टाइम अब अगर देखा जाए तो कितना आएगा ये N theta, power, power मतलब time, ये आएगा एन इक्वल टू आई थीटा दिस इज पावर पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम थीटा डिवाइडेड बाय ये आपके आ जाएगा इस बार नंबर ऑफ फोटो आई ए थीटा बाई एच सी बाई ले टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय एक फोटोन की एनर्जी ये आपको दे देगा नंबर ऑफ फोटो ऐसे अपने पहले किया था बस एक थीटा कंपोनेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया अब अपने को देखना है कि चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम वो कितना है एच बाई लेडा के बराबर किस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम इज जिस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम था उसी डायरेक्शन में इस बार चेंज इन मोमेंटम भी हो रहा है ठीक है और ये एरिया परपेंडिकुलर है इसके तो अगर अपन फोर्स लिखे तो फोर्स क्या लिखोगे आप फोर्स विल बी नंबर ऑफ ये विच इज आई ए कॉस थीटा इंटू लैमडा डिवाइडेड बाय एच सी इंटू चेंज इन मोमेंटम इज एच बाय ले कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है एच इन मोमेंटम है ये आपके पास आ जाएगा फोर्स कितना है देखना इसको h/lambda कैंसिल हो गए तो ia cos थीटा ia/c cos थीटा इतना फोर्स आपके पास यहाँ से आ रहा है ठीक है किस डायरेक्शन में आ रहा है फोर्स भी फोर्स भी आ रहा है इस डायरेक्शन में जो लग रहा है आपसे पूछा क्या बताइए प्रेशर ऑन द प्लेट तो प्लेट पे जो प्रेशर लगेगा वो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से लगेगा मान लीजिए सिचुएशन ऐसी हो कि ये जो प्लेट है इस पे एक फोर्स आप ऐसा लगा रहे हैं अब ठीक है दिस इज फोर्स जो इस पे लग रहा है और ये एंगल आपको दे रखा है थीटा तो हम जानते हैं कि जो प्रेशर लगता है वो परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स की वजह से लगता है तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे एफ कॉस थीटा के बराबर दिस इज दॉर्मल फोर्स डिवाइड बाई एरिया ए तो आंसर कितना आएगा यहाँ से दिस विल बी आई बाई सी स्क्वायर थीटा क्योंकि ऑलरेडी फोर्स में एक कॉस थीटा है यहाँ पे F थीटा कर दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और आई बनेगा तो इस बार जो प्रेशर बनेगा वो आई I बनेगा I by c थीटा के बराबर है बात पहले कितना बन रहा था आई c बन रहा था जब परपेंडिकुलर था इस बार बनेगा आई c कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर से बनेगा ये बात ध्यान रखिएगा ऐसे ही अगर आपसे दूसरा केस पूछा जाए जिसमें आपको बोला केस टू कि इस बार पूरा रिफ्लेक्ट हो गया एब्जॉर्प्शन जीरो हो गया अगर ऐसा केस है तो इस केस में हम जानते हैं कि इस बार चेंज इन मोमेंटम कितना होगा इस बार चेंज इन मोमेंटम होगा थीटा वाली टर्म पे क्योंकि लाइट आ रही है तो चेंज इन मोमेंटम होगा ये एंगल थीटा है चेंज इन मोमेंटम वो लिखा जाएगा टू एच बाई थीटा के बराबर हम जानते हैं ये बात बात में भी हमने करी थी इस तरफ अगर ये मोमेंटम है इसका इस तरफ मोमेंटम है तो इस डायरेक्शन में तो कोई चेंज होना नहीं है क्योंकि दोनों कंपोनेंट सेम है जो चेंज होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा पहले ये नीचे की तरफ कंपोनेंट था अब ये ऊपर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा दोनों थीटा कंपोनेंट है चेंज करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे ऐड होके आएगा नेट चेंजेस अपवर्ड टू थीटा के बराबर और नंबर ऑफ फोटॉन्स हमने अभी कैलकुलेट कर ही थे तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ लिखें इस बार कितना फोर्स लग रहा है तो इस बार अपन फोर्स देख सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स हमने अभी कैलकुलेट कर रहे थे ये जब कोपेनिकोलर डायरेक्शन में आता है सॉरी जब इंक्लाइन पे आता है i a cos थीटा λ hc तो फोर्स लिखा जाएगा i a cos थीटा λ hc 2h λ cos थीटा तो ये आ जाएगा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आंसर आएगा आपके पास यहां से कितना आ रहा है आई ए बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर ये आपके पास आ गया फोर्स सॉरी थीटा दिस इज द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो प्रेशर भी सीधा सीधा लिखा जा सकता है फोर्स बाई एरिया से क्योंकि फोर्स इस बार पोपेंडिकुलर ही है नॉर्थ तो सीधा आंसर आ जाएगा टू आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा दिस विल बी द प्रेशर ठीक है तो जो आपके पास पहले इंक्लाइन जो आपके पास नॉर्मल वाले केस में आ रहे थे इंक्लाइन वाले केस में एक स्क्वायर थीटा वाला कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास हमेशा एक्स्ट्रा आ जाएगा बस इस बात का हमें ध्यान रखना है क्लियर है और ऐसे ही जब आप उसके लिए बात करेंगे आ, ए और आर जब दोनों होंगे तो उस केस में भी आप अपना फाइनल आंसर बता पाएंगे उस केस में भी एक कॉस स्क्वायर थीटा का कंपोनेंट आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा और वहां से आप अपना आंसर बता पाएंगे ठीक है तो वो चाहे तो आपको ट्राई कीजिएगा एक बार उस केस में भी प्रेशर आपके पास आएगा आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस आर के बराबर ठीक है केस थ्री जब था ए और आर दोनों ही वहां पे मौजूद थे तो इस केस में जो आपका प्रेशर आएगा प्रेशर वैल्यू आएगी आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस आर के बराबर ठीक है तो ये देख पा रहे हैं रिजल्ट जो सारे बन रहे हैं ये आई बाई सी वन प्लस था जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट था ऐसे ही यहाँ पे टू आई बाई सी बना था में और यहाँ बना था आई बाई सी परपेंडिकुलर इंसिडेंट्स में तो बस इन सब पे कॉस स्क्वायर थीटा का एक टर्म एक्स्ट्रा लगा दीजिए थीटा कौन सा एंगल है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सर्फेस के साथ बना रही है ठीक है ध्यान रखिएगा थीटा कौन सा एंगल है इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस के साथ बना रही है ना कि सरफेस के साथ सरफेस के साथ एंगल होता है ये ये वाला थीटा थीटा नहीं लेना है नॉर्मल के साथ लेना है ठीक है तो बस ये आपके पास सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी यहां से चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बनते हैं इस पे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है

Sphere, और बोला कि है कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सॉलिड जो तो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे टोटल फोर्स फोर्स बताना है 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 ठीक अब कितना लगता जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है तो हमने के लिए आर इक्वल टू वन था a टू आई ए बाई सी के बराबर प्रेशर आया था टू आई बाई सी के बराबर अब यहाँ पे आपको रेडियस दे रखी है अब इसके इसमें आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि ये जो रखिए था ये तो था एक प्लेन एरिया के, के केस में ऐसा एरिया था और परपेंडिकुलर अगर लाइट आती थी तो आप ऐसे लिखते थे ये फॉर्मूला आता था, था पर इस केस में एक स्फेरिकल एक सरफेस है और उस पर हर तरफ से लाइट आ रही है तो कैसे लिखा जाएगा और ऑब्वियसली लाइट इतना ही सरफेस पे आ रही है आधे सरफेस पे आप आ रही है ना इतने सरफेस के अपने को बात करनी क्योंकि इस पे तो कोई लाइट इंसिडेंट है नहीं तो यहाँ तो प्रेशर की बात आएगी नहीं जो लाइट आ रही है वो इस सरफेस पे आ रही है इसके लिए अपने को बात करनी है और स्पियर है यह कैसे लिखा जाए इसका एरिया अगर आप कहते हैं कि मैं पूरा सरफेस एरिया ले लूं तो अपने को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि उस पूरे सरफेस एरिया के करस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्शन होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ जो लाइट आके गिरेगी मान लीजिए यहाँ पे ये तो टेंजेंट निकल जाएगी यहाँ जो आके लगी रहेगी वो इस तरफ निकलेगीय तो होंगे वो यूनिफॉर्म तो है नहीं पूरा एरिया तो लिख नहीं पाएंगे तो क्या करना चाहिए इस केस में हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा स्पेयर में यूनिफॉर्मिटी की बात आती है तो आप हमेशा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले सकते हैं परपेंडिकुलर एरिया हमेशा आप कंसिडर कर सकते हैं चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो किसी भी ऑब्जेक्ट के केस में अब इस बीम का परपेंडिकुलर एरिया अगर कंसिडर करते हैं तो आपका काम बन जाएगा दिस परपेंडिकुलर एरिया इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर तो आपका काम यहाँ से हो गया आप यहाँ से फोर्स लिख सकते हैं अपना टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी ये आ जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाई दिस और क्योंकि एक ही सरफेस पे आए तो अपने एक ही एरिया कंसिडर किया है मान लीजिए लाइट दूसरी तरफ से भी आ रही होती तो नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाता क्योंकि दोनों तरफ से इस इसपे फोर्सेस लगने शुरू हो जाते क्लियर बात एक ही तरफ से लाइट आई है उसके ने फोर्स लगा दिया उस फोर्स की वजह से ये आंसर आ गया ठीक है आसान सी बात है चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मैटर वेव की अभी मैटर वेव क्या है भाई हम ये तो जानते ही हैं कि एक जो फोटोन है उसकी अगर फ्रिक्वेंसी न्यू है तो इसके पास मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी होगी न्यू और इसकी जो वेवलेंथ है वो है लेमडा ठीक है तो इसके करस्पॉन्डिंग इसके एनर्जी होती है ई इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लेमडा के बराबर ठीक है ये एनर्जी हमें पता है पर आइंस्टाइन ने बोला था उसकी जो एनर्जी मास रिलेशन था आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन वो क्या बोलता था उसने बोला कि अगर कोई मास किसी स्पीड से चलता है तो उसके पास एनर्जी भी होती है और वो होती है इक्वल टू एम सी अब फोटोन जो है वो इस लाइट की स्पीड से से चलते हैं तो यहां अगर मैं मास को लिखूं तो कितना लिख सकता हूँ ई बाय सी स्क्वायर के बराबर अच्छा ई e आपने अभी फोटोन के केस में कितना लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एच इन टू न्यू बाई सी ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको बाई सी स्क्वायर सॉरी ऐसा या फिर इसको अगर एच सी बाई लेमडा करूंगा तो एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा बचेगा h बाई लेमडा सी तो ये आपको मिल रहा है मास ऑफ द फोटोन और इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं लेमडा लिखना चाहूँ यहाँ से अगर मैं लेमडा लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम सी ये लिख सकता हूँ एंड वट इज दिस एम सी मास इन टू स्पीड इज नथिंग बट मोमेंटम ये लिखा जा सकता है पी इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप लोगों को ठीक है अब इसी एनालॉजी को यूज करते हुए डी ने सजेस्ट किया कि एक जो पार्टिकल है मास का अगर वो स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो इन सम वेज वो भी एक वेव की तरह बिहेव करता है और उसकी भी अपन वेवलेंथ लिख सकते हैं जिसे डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा गया

तो इसके लिए जो लेमडा लिखी जाएगी वो कितना लिखा जाएगा दिस लेमडा विल बी इक्वल टू एच बाई पी या एच बाई एम वी के बराबर क्लियर बात तो ये जो वेवलेंथ आपने लिखी दिस वेवलेंथ इज डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा डी इसे लिख दीजिए दिस इज डी ब्रोगली वेवलेंथ ठीक है

एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस उसको खुदा दिया एक्सेलरेट करवा दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था ई e इंटू के बराबर या क्यू v के बराबर तो काइनेटिक एनर्जी का मैं क्यू v भी डाल सकता हूँ तो अगर एक चार्ज की केस में बात करो अ चार्ज Q when accelerated by a potential difference V तो तो आपके पास फॉर्मुला बन रहे हैं उन सबसे जो डीप्रोगली वेवल का फॉर्मुला आपके पास बन रहा है देखिये क्या क्या हो गया एच बाई पी हो सकता है एच बाई एम वी हो सकता है p के जगह में डाल सकता हूँ h by root टू एम के ये डाल सकता हूँ अच्छा K के जगह में h by root टू m Q इंटू वी डाल सकता हूं तो ये सारी चीजें आपके पास बन के आती हैं डी वेवलेंथ के टर्म में ठीक है और जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो इन्हीं पे बनेंगे ये बात भी ध्यान रखिएगा आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन पूछा जा सकता है या काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल का जो रिलेशन है ये वाला क्वेश्चन दिया जा सकता है तो इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं इस रिलेशन से हमारे सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं क्लियर है बात अच्छे से पक्का अब ऐसे ही कुछ छोटे छोटे सी बातें यहाँ पे बोली गई हैं जैसे एक इलेक्ट्रॉन के केस में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए डी तो उसकी कितनी होगी तो इसका एक छोटा सा से इलेक्ट्रॉन है ठीक है उसको वी से कराया। एक इलेक्ट्रॉन को इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वी ठीक है तो इसकी कैनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी ई e इंटू के बराबर इस कैनेटिक एनर्जी को अगर मैं यूज करूं तो मैं इसके लिए डी लिख सकता हूं। क्या आपने लिखा था यहाँ से H by root 2 के बराबर ठीक है या तो ई इंटू वी लिख लेंगे एच की वैल्यू कितनी होती है सिक्स पॉइंट सिक्स बाई रूट मासन ये चीजें होगी कितना लिख सकते हैं क्यू इंटू वी के बराबर क्यू कितना वो आती है रूट ओवर वन फिफ्टी बाई वी इन ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला बन जाता है डी ब्रोग इलेक्ट्रॉन का ठीक है डी ब्रोगली तो ठीक है फॉर्मूला ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है रखना हो तो रख भी सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा मेमोरी है तो आप रखिए याद लेकिन सॉल्व करने का तरीका वही है निकालने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है ठीक है बस एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के केस में आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं ओके रूटर वन फिफ्टी बाय वी एंगस्ट्रम में आंसर आएगा वी वोल्ट में रखना पड़ेगा ऐसे ही अगर एक गैस का मॉलिक्यूल है उसके लिए मुझे लिखनी है तो हम जानते हैं भैया कि जो गैस मॉलिक्यूल अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पे रखा हुआ है तो उसके लिए कैनेटिक एनर्जी कितनी होती है गैस मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी काइनेटिक एनर्जी इसकी होती है याद कीजिए थ्री बाय टू के टी के बराबर याद आ रहा है कुछ थ्री बाय के टी के बराबर और ये के क्या होता था के होता था यहाँ पे बॉल्समेंट कॉन्स्टेंट थर्मो में हमने पढ़ा था ठीक है बॉल्समेंट कॉन्स्टेंट ये आ गया तो यहां से अगर काइनेटिक एनर्जी पता है तो लैम्डा भी लिख सकते हैं लैम्डा डी ब्रॉक कितना हो जाएगा गैस मॉलिक्यूल के लिए रोट ओवर टू एम और काइनेटिक एनर्जी की जगह पर लिख सकते हैं kt तो 3/2 kt ये आएगा सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है h √3m kt ये आंसर आ जाएगा क्लियर तो इस तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी पार्टिकल आपको दे रखे हैं उनके केस में आप अपना आंसर यहाँ से डी ब्रोगली वेवलेंथ के केस में बता सकते हैं ठीक है फॉर्मूला वही है सब केस में वही अपने को यूज करना है क्लियर है बातें यहां तक चलिए बात करते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की भाई ये दो साइंटिस्ट थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्रेक्शन करा के देखा ठीक है इलेक्ट्रॉन बीम को इन्होंने एक निकल की प्लेट पे टारगेट किया और उसकी वजह से उसका डिफ्रेक्शन हुआ और उस डिफ्रेक्शन उन्होंने नोट किया और देखा कि भाई यहाँ एक जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो भी एक वेव की तरह बिहेव यहाँ पे कर रही है डिफ्रेक्शन मतलब वेव नेचर होना तो इलेक्ट्रॉन बीम अगर डिफ्रेक्ट हुई मतलब वेव नेचर बना ली, यहां से फायर होते हैं।, यहां पे एक कॉइल बना हैं इस कॉइल से इलेक्ट्रॉन जब इसको गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं कॉइल है यहाँ पे ठीक है इस पे एक छोटा पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है जो यहाँ पे हीट कर रहा है इस हीट के होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आए थर्मियोनिक कहते हैं थर्मल की वजह से जो थर्मलशन होता है इसको थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर है यहाँ पे आपने एक सिलेंडर बना रखा है जिसमें ऐसा बहुत छोटा सा यहाँ पे ओपनिंग दे रखी है और इसको इस सिलेंडर पे आपने एक बड़ा हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है इसकी वजह से क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर आएंगे वो एक तो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे क्योंकि ओपनिंग बहुत छोटी सी है तो जो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा वो बिल्कुल ऐसा निकलेगा और क्योंकि आपने बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है तो इस इलेक्ट्रॉन को काफी अच्छी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से मिल जाएगी हमने देखा था ना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई इंटू वी के बराबर तो आपने वी यहाँ पे अच्छा खासा लगा रखा है पोटेंशियल डिफरेंस तो उस वजह से इसमें अच्छी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक बढ़िया बीम की तरह जाके इस पे स्ट्राइक करेंगे ठीक है सारे इलेक्ट्रॉन बढ़िया स्ट्रीम लाइन बीम की तरह इस इसपे आके स्ट्राइक करेंगे अब जैसे स्ट्राइक किए तो ये देखा गया कि यहां से ये किसी एंगल पे मूव हो गए ठीक है ठेके? यहां से किसी एंगल पे जाके रिफ्लेक्ट हो गए आपने किया था एकदम नॉर्मली देखिए इस पे नॉर्मली स्ट्राइक किया हुआ है लेकिन फिर भी ये किसी एंगल पे जाके निकले तो ये जो है ये कहलाते हैं डिफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रेक्शन वहां पे हुआ पूरा वैक्यूम चेंबर के अंदर ये कर रहे थे और इसको देखने के लिए अपन क्या किया यहाँ पे एक कलेक्टर लगाया अपन ने कलेक्टर मतलब जो जिस पे जाके इलेक्ट्रॉन फिर से डिपॉजिट हो सके वो सेंस कर सके कि भाई इस पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं ठीक है ठेके? तो यहाँ पर एक ऐसा कलेक्टर लगा दिया इलेक्ट्रॉन कलेक्टर उसको गेलवेनोमीटर से जोड़ दिया उसके वजह से क्या हुआ जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो गलवेनोमीटर में रिफ्लेक्शन हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिले ऐसा समझ में आ जाएगा

इसका रिजल्ट क्या आया तो रिजल्ट जब देखा गया तो पता चला कि 54 डिग्रीज के करस्पॉन्डिंग जब थीटा ये 54 डिग्रीज के करस्पॉन्डिंग है उस टाइम एक पीक यहाँ पे मिलता है मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो मिलते हैं वो उसके करस्पॉन्डिंग मिलते हैं 54 डिग्रीज सॉरी uh, 54 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हम सॉरी जब आपने यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस जो लगा रखा है वो फिफ्टी फोर के करस्पॉन्डिंग लगाया 54 वोल्ट्स के यहाँ पे सबसे आके है, इसे अगर 54 अप्लाई करते हैं जो कि यहाँ से हो रहा है तो ये जो एंगल मिलता है, वो 50 के मिलता है और उस टाइम यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो सबसे मैक्सिमम मिलती है ठीक है ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में देखा गया अब आप इसे अगर फिफ्टी के करस्पॉन्डिंग

देखिए आंसर कितना आता है यहाँ से अगर देखा जाए तो आप सॉल्व करेंगे तो लगभग लग आपको, आपको मिल जाएगा इन एंगस्ट्रम ठीक है और आप ध्यान दीजिए तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आप अगर वहां से देखो वेव नेचर से देखो भी वो लगभग लगभग इतनी ही मिलती है तो ये बात हमें यहाँ से प्रूव हो गई कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पे एक वेव नेचर शो करता है तो कोई भी पार्टिकल जब स्पीड पे चलते हैं अच्छी स्पीड पे चलते हैं तो वेव नेचर शो करते हैं और वो वेव नेचर दी, दी ब्रोगली से दिया जा सकता है क्लियर है यहां तक सारी बातें अच्छे से आज का वीडियो खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक नए टॉपिक की और हो सकता है इसपे कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ से उठाएं तो तब तक के लिए बाय बाय पढ़ते रहिए कुछ डाउट है तो पूछिए